अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कसूर से भाई गाड़ी पहुंच गई, चली गई, ठीक है, क्योंकि चली काफ़ी शार्ट है और गाग बहुत ज़्यादा है। ये भाई दूसरी सबसे बड़ी सब मंडी है चली की, ठीक है, लेकिन ये भी देखो ये हाल है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। सिर्फ आज टोटल दो गाड़ी है, उसमें से भी एक अभी पहुंच गई, ठीक है। और ये देख रही गाड़ी के ऊपर ये पाइप लगा हुआ है, पाइप का मतलब समझते हो, ये काफ़ी गर्माइश करता है, तो इसमें दरमियान में दो तीन पाइप ऊपर लगाए गए, ठीक है, ताकि ज़्यादा गर्माइश ना हो। तो चलो जी रेट बताते हैं कि रेट क्या जा रहा है आज, ठीक है। ये गाड़ी पहुंच गई, यहाँ से जो है भाई दीगर मंडियों में सप्लाई पर होती है, लेकिन दो गाड़ियों में क्या सप्लाई होगी। दीगर मंडियों से मुराद ये हैं जो इर्द गिर्द इलाका है, ठीक है, एबटाबाद, कश्मीर वगैरह, यहाँ से माल जाता है। हेलो जी, देख रहे कितना रश है, क्योंकि गाड़ी पहुँच गई, हर किसी ने भाई माल लेके जाना है। और हमारे पख्तूनख्वा में सफ़ेद जो है ना चली पसंद किया जाता है, यहाँ पर पीला पसंद किया। क्या हाल है जी, कैसे? ये गाड़ी इसकी है, ठीक है। और किराया कितना है इसका तकरीबन? कसूर से ज़्यादा है? अच्छा, इसका किराया कितना है तकरीबन? 80,000 रुपया। अच्छा जी, इस गाड़ी में कितने मन होता है माल? 300 साढ़े 300। और ये अभी कहाँ जा रहा है, पैकिंग जो हो रही है, ये ऑर्डर होता है? स्वाद जा रहा है, एबटाबाद जा रहा है, मरी जा रहा है, ऑलरेडी ऑर्डर आया हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर जो इस्लामाबाद सब्जी मंडी, इधर नहीं जाती? हाँ, इधर नहीं देते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। और इस वक्त मन क्या रेट जा रहा है? 2400 रुपया। अच्छा जी, ठीक है, 40 किलो अभी तोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं 2400 रुपया मन। माल इधर भी लोग लेके जाते हैं, लेकिन आज माल कम है, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, हमने ऑर्डर वालों को पहले दे रहे हैं, ठीक है। लाजमी बात है, हर कोई अपने अपने प्रायोरिटी होती है ना, कस्टमर को देखते हैं कि भाई कौन कस्टमर रेगुलर हैं, ठीक है, कौन। चलो जी, 40 किलो बराबर हो गया। यहाँ पर सर भाई चली से रिलेटेड जितने भी सामान हैं वो भी मिलते हैं, ठीक है, ये सारे शॉप्स हैं। और यहाँ पर चली भी तैयार की जाती है, स्टीम से तैयार किए जाते हैं, लेकिन सामने रेत से भी और स्टीम से भी तैयार किए जाते हैं। उसके मेरे ख्याल में अभी 40 के कुछ 50 रुपए फी मन लेते हैं यहाँ पर। मैं भी भूल गया हूँ बराबर, क्योंकि आज कोई है नहीं, छुट्टी है, माल था ही नहीं, और वैसे भी एक ही गाड़ी आई हुई है, बाकी जो है ना चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, कुल्फ़ी वगैरह बनाने के जितने सामान वगैरह है, ठीक है। ये देख रहे हैं इनके पास हर चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बोस, खैरियत ठीक ठाक? क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या पास आजकल? ये बोतल है। अच्छा, ये दूध वगैरह है और कुल्फ़ी बनाने का पाउडर है? हाँ, अच्छा, ये फ्लेवर है, किस चीज़ में डालते हैं? अच्छा, आइसक्रीम में, और कुल्फ़ी जो बनाते हैं उसमें से? अच्छा, और ये दूध है? अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये मतलब चली वगैरह के लिए नमक, ये मतलब तेलिया वगैरह, मसाला, लीमू, सब कुछ हो? अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया आपका। देख रहे बाकी सामान भी, फ्लेवर, दाने, ठीक है, और जो दीगर सामान है यहाँ पर, छोटा मोटा अपना अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, ठीक है। इसका एड्रेस जो है, और कल किसी ने पूछा भी था, इसका ये जो बाल होते हैं ना, ये चली के कह रहे मैं किडनी का बीमार हूँ, मुझे किसी ने ये बताया, तो उनके एड्रेस ये है कि भाई ये सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल सामने है, सब्ज़ी जो मंडी मोड़ है ना, सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल सामने मंडी मोड़ में उस्मान होटल है, उस्मान होटल के बैक साइड पे चली मंडी है, यहाँ पर नई रेडिया, पुरानी, ठीक है, रेंट पे वगैरह, ये तमाम तर चीज़ें मिल जाती है। फौजी कॉलोनी में उस्मान होटल के बैक साइड पर, ठीक है, पंजाब और ये जो होटल्स वगैरह है ना, इनके बैक साइड पे ये चली मंडी, किसी भी पूछ लें चली मंडी किधर है, और आपको फिर बताएंगे मंडी मोड़ में।